तो लास्ट क्लिप में मैं कैपिलरिटी डिस्कस कर रहा था, तो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह दिखाया था उसमें, ये वाला एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा आर रो जी, ये ध्यान देना ट्यूब का है, ठीक है। और उसके बाद थीटा एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट है, और इसमें हम लोग कुछ सॉल्विंग किए थे। अभी देखो एक थीटा ग्रेटर देन मतलब 90 डिग्री, मतलब लेट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो इसमें ध्यान देना फॉल होता है। इस पे एक प्रॉब्लम है, जैसे ये समझो कि ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इधर चूँकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, तो इधर आपका ज़्यादा वाला में राइज हो जाएगा, इधर आपका फॉल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा एज क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अगर आप यहाँ का पी नोट ले, तो मान लो इसका रेडियस आर ले लो, इसका स्मॉल आर, तो यहाँ का जो होगा तुम्हारा पी नोट माइनस टू टी बाई कैपिटल आर। टी हो गया तुम्हारा सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हो गया, राइट। टी हो गया सरफेस टेंशन, तो यहाँ का जो तुम्हारा प्रेशर होगा पी नॉट माइनस टू टी बाई कैपिटल आर प्लस रो जी एज। उसी तरह से यहाँ का तुम्हारा जो होगा पी नॉट होगा, और यहाँ का जो होगा पी नॉट माइनस टू टी बाई स्मॉल आर। तो भाई देखो आप सेम लिक्विड है, तो इसका राइज अप और इसका राइज अप यहाँ से देखो तो सेम हुआ है, तो यहाँ का जो प्रेशर और यहाँ का जो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पी नॉट माइनस टू टी बाई कैपिटल आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस टू टी बाई आर, तो ये गया। तो रो जी एच इज इक्वल टू टू टी बाई स्मॉल आर टू टी बाई कैपिटल आर, तो ये तुम्हारा टू टी कॉमन वन बाई आर माइनस, और ये एच इज इक्वल टू यहाँ पर रो जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉब्लम, है ना। एक ये कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर पर प्रॉब्लम होता है, वो देखो आप लोग, ठीक है। जैसे कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे इसमें ये कुछ ऐसा है, ये मान लो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये इसका ये आरसी ले लो, ये इसे निकालना है हमें, ठीक है। और टी है तुम्हारा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, तो यहाँ मान लो प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पी नॉट है, तो यहाँ पी नॉट प्लस टू टी बाई स्मॉल आर, और उसके हिसाब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला तो अंदर में, तो पी नॉट प्लस टू टी बाई आर माइनस टू टी बाई आर सी, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो पी नॉट प्लस टू टी बाई कैपिटल आर हुआ, तो ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें पी नॉट प्लस टू टी बाई आर माइनस टू टी बाई आर सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस टू टी बाई कैपिटल आर। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो ये हो रहा है, इसके हिसाब तो बराबर बात तो सेम ही है ना, वही चीज़ तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन टू टी बाई कैपिटल आर माइनस टू टी बाई कैप सॉरी स्मॉल आर इज इक्वल टू टू टी बाई आर सी, ठीक है ना। ये अगर मान लो सोप बबल दिया है तो ये सब 40 कर लेना तुम लोग, 40 ये 40 ऐसे तो कैंसिल होने वाला है, तो ये तुम्हारा 40 40 40 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/rc, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट है जो यूटिलाइज हो सकता है, तो इट्स ओके ना।